हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? होप सब सही होंगे। मैं रॉक्सन आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रॉक्सन चिक चिक पुम में। आज जो वीडियो एडिटिंग करेंगे हम कैपकट से करेंगे, इसके लिए वीपीएन को ऑन कर लेते हैं। फिर कैपकट ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, एक फ़ोटो ले लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कैपकट जो लिखा है इसको डिलीट कर लेना है, इसको खींच के बड़ा कर देना है, इसे सिलेक्ट करके खींच के बड़ा कर देना है। फिर ओवरले पे क्लिक करना है। आपको कुछ इस टाइप का वीडियो शूट करना है, देखो मैंने जैसे शूट किया है। और ब्लेंडिंग में जाना है, स्लाइड कर देना है इसको, स्लाइड स्प्राइस में जाके स्लाइड कर लेना है इसको। ये देखो जैसे मैंने किया हूँ वैसे ही कर लेना। उसके बाद स्पीड पे जाके इसको स्पीड कंट्रोल करना है। मैं सारा स्लो मो में शूट किया था तो इसलिए एडजस्ट कर रहा हूँ पहले ही। स्पीड एडजस्ट कर लेना, जैसे हाथ जा रहा है ना स्पीड में जाना चाहिए हाथ। देखो अब हाथ जाएगा स्पीड में और स्पीड में घूम के इधर हाथ आएगा। स्पीड पे जाकर स्पीड एडजस्ट कर लेना है। ये देखो अब ऐसा लग गया वीडियो। स्पीड एडजस्ट कर लेना है दोनों को, इसको ये वाला वीडियो को खींच के इसके पास जोड़ लगा लेना है। ओवरले पे जाके और एक फोटो ले लेना है, ये वाला पीएनजी चांद का, और इसको लाके आपके हाथ के ऊपर रखना है, जस्ट थोड़ा सा हाथ के ऊपर जैसे, और इसको सुर से कर लेना है और ऐसे घूमते वक्त ऐसे हो जाना। इसको भी बड़ा कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से की फ्रेम लगाएंगे, जैसे घूम रहे हो ना यहाँ पे की फ्रेम लगाना है, की फ्रेम लगाना है। फिर थोड़ा सा आगे घुमाए, फिर एक की फ्रेम लगाना है, जहाँ जहाँ हाथ जाएगा वहाँ वहाँ एक एक की फ्रेम लगाना है चांद को खींचते हुए। फिर एक ही फ्रेम लगाना है, फिर थोड़ा सा आगे सरकाना है, फिर एक ही फ्रेम लगाना है, फिर थोड़ा सा आगे सरकाना है, लास्ट में एक ही फ्रेम लगाना है, चांद को लेके एक पोजीशन दे देना है, एक पोजीशन दे देना है चांद को। देखो अभी सर पे आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाना है। स्लाइड पे जाके, स्प्लाइस पे जाके इसको एक ब्लेंडिंग कर लेना है स्प्लाइस वाला, देखना जो भी सेट हो रहा है आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग वो वाला ब्लेंडिंग कर लेना है। अब लगभग आपकी वीडियो बनके तैयार हो गई है। अब इस पे ना और एक बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको, उसको भी ले लेना है। जैसे आप घूम के दूसरी तरफ चांद को लेते हो उस तरफ से ये वीडियो को, ये फ़ोटो को ले लेना है, बैकग्राउंड का फ़ोटो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको क्रॉप्ट कर लेना है। फिर थोड़ा सा ऊपर लेके इसको बड़ा कर लेना है। फिर मास्क वाला ऑप्शन में जाना है, उसको सिलेक्ट करना है, मास्क वाला ऑप्शन में जाना है, ये वाला सिलेक्ट करना है फास्ट वाला, इसको ऐसे थोड़ा सा खींच के कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद स्प्लाइस में जाना है, फिर से एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो डिलीट कर लेना है। ठीक है, अब स्प्लाइस में जाना है,
प्राइस में जाना है। अरे ये वाला सिलेक्ट करना है, देखो जो भी आपके वीडियो के अकॉर्डिंग सही लगेगा उसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर से वो वाले पे जाके ये वाला रिपब्लिक डे वाला फोटो ले लेना है, इसको ऐसे खींच के बड़ा कर लेना है, इसको भी खींच के बड़ा कर लेना है। स्प्लाइस वाला ऑप्शन पे जाना है, ये वाला ब्लेंडिंग सिलेक्ट कर लेना है, इसको खींच के ऐसे बड़ा कर लेना है। आपकी वीडियो बनके तैयार हो गई, अब इस पे साउंड लगाना बाकी है सिर्फ। इसमें भी मास्क कर लेना, थोड़ा सा मास्क पे जाके इसको थोड़ा सा खींच लेना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, बन जाएगा। जिस सर पे आ रहा था वो नहीं आएगा। आ गया देखो, अब इसमें हम साउंड लगाएंगे, एनिमेशन लगा सकते हो आप, कुछ ऑडियो लगाते हैं इस पर। इसके लिए ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। ये वाला वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो गया, अब आपकी वीडियो बन गई है। और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सकता है।